हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल देवभूमि में स्वागत है। दोस्तों कैसे हो सभी लोग, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में आपके लिए फिर से एक नई भर्ती लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, जिस भर्ती का आपको काफ़ी समय से इंतज़ार था वो भर्ती है वन आरक्षी। जी हाँ दोस्तों, वन आरक्षी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 894 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी होने वाली है। तो दोस्तों वन आरक्षी, जी हाँ दोस्तों, वन आरक्षी के लिए 2016 में नोटिफिकेशन जारी किए गए थे 1218 पदों पर। जी हाँ दोस्तों, 1218 पदों पर उस समय जारी किए गए थे नोटिफिकेशन, और इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है फिजिकल का। तो यदि आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको बहुत बहुत बधाई, यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप जरूर इन पदों के लिए भी अप्लाई जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं पूरी जानकारी इससे संबंधित। जी हाँ दोस्तों, 894 पदों पर वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन रहेगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहती हैं, और पास में ही आपको बेल आइकन मिल जाएगा, उसको भी आप क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको यही फ़ायदा होगा, जब भी मेरी नई वीडियो आएगी आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही आप वीडियो में लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समोगा के वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी के 894 पदों पर यहां पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है फाइनली। जी हां दोस्तों, 894 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विज्ञापन प्रकाशित करने की तिथि आज ही के दिन रखी गई है, 19 अगस्त को आज प्रकाशित किया गया। प्रारंभ जो होगा ऑनलाइन वह 24 से होगा, 24 अगस्त से, और 7 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं वन आरक्षी के पदों के लिए। और परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के जरिए आप 9 अक्टूबर 2021 तक कर सकते हैं, और लिखित परीक्षा दिसंबर 2021 तक बताया गया है दोस्तों। तो काफ़ी समय दिया गया है आपको, और रिक्तों की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है ये कहा गया है। तो फ्रेंड्स, यदि आप समोगा के अंतर्गत वन आरक्षी के 894 पदों पर नोटिफिकेशन पर भर्ती करना चाहते हैं या भर्ती होना चाहते हैं और इसके आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको OTR बनाना होगा। जी हाँ दोस्तों, OTR के लिए अप्लाई करना होगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आप UK SSC की वेबसाइट पर पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको OTR बनाना होगा, तभी आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो OTR कैसे बनाते हैं, इसके संबंध में मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है, आप चैनल में जाएँ, वहाँ पर OTR कैसे बनाएं आप सर्च करेंगे तो मेरा वीडियो वहाँ पर दिख जाएगा, तो वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं, और वहाँ उसी तरह से स्टेप फॉलो करके आप अपना बना सकते हैं, अपना OTR बना सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड जानते हैं पूरी जानकारी। यहाँ पे देखिए, पद नाम है वन आरक्षी, टोटल मिला के 894 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर पद नाम और आरक्षण श्रेणी और रिक्त पद और 36 आरक्षण के अंतर्गत रिक्त पदों की संख्या दी गई है। तो देखिए यहाँ पर वन आरक्षी वन विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकाली गई है दोस्तों। तो इसमें आरक्षण श्रेणी है, अनुसूचित जाति के लिए 164 पर रखे गए हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 37 वर्ग 37, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे 94 पद रखे गए हैं, और अनपिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 126 पद रखे गए हैं, और सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे 473 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल मिला के यहाँ पर जो भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो 894 पदों पर किया गया है, और वेतनमान भी ठीक ठाक दिया जाएगा इसमें। 21,100 से 700 से स्टार्ट होगा आपका वेतन, लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपका वेतन रहने वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वन आरक्षी का लेवल 3 के अकॉर्डिंग वेतन दिया जाता है। आयु सीमा इसमें 18 to 28 रखी गई है दोस्तों, तो यहाँ पे आयु सीमा भी ठीक ठाक है, और राजपत्री और स्थायी होगी यहाँ पर पद का स्वरूप। शैक्षणिक अर्हता देखिए, अनिवार्य अर्हता, भारत में किसी भी विद द्वारा स्थापित बोर्ड या परिषद द्वारा उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय में इंटरमीडिएट और समक्ष स्तर पर परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो कुल मिला के आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है। 12वीं पास कैंडिडेट यदि आप हैं तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। अधिमान आप देख लीजिए कि लिखित परीक्षा में समान अंक आने पर ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। साथ ही देखिए यहाँ पर शारीरिक मापदंड में देखिए, लिंग ऊंचाई और सीने का घेरा, तो पुरुष के लिए है ऊंचाई 163 सेंटीमीटर, और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर, और सीने का फुलाव जो होना चाहिए वह 5 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपकी जो हाइट होनी चाहिए वह
52 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर रखा गया है। तो हाइट भी ठीक ठाक दी गई है दोस्तों। यहाँ पर आप और देख सकते हैं आई विजन। तो यदि आपको ये PDF फॉर्मेट का लिंक चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप डायरेक्टली इस PDF फॉर्मेट को देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए आपका फिजिकल में क्या होगा, इसमें पुरुष के मामले में 25 किलोमीटर दौड़ होगी और महिलाओं के मामले में 14 किलोमीटर दौड़ होगी और अधिकतम 4 घंटे का समय दिया जाएगा महिलाओं और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए 4 घंटों का समय दिया जाएगा। दौड़ में सफल अभ्यर्थियों को ही अहर घोषित किया जाएगा। शारीरिक अहर्ता परीक्षण में अनुपयुक्त पाए जाने वाले तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु विहित अहकारी मापदंड पूर्ण नहीं किए जाने की दिशा में अभ्यर्थी को अनुपयुक्त घोषित कर चयन प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए लिखित परीक्षा में आपकी 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाएं होंगी, जिसमें सामान्य हिंदी होंगे, सामान्य ज्ञान होगा और सामान्य अध्ययन होगा। उसके बाद लिखित प्रतियोगी परीक्षा में आपको 45 अंक लाने होंगे सामान्य कैटेगरी के लिए। उसके बाद ये जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। आयु सीमा देखिए यहाँ पर गणना की जाएगी 26 जुलाई 2021 से आपकी गणना की जाएगी आयु की, और कुल मिला के 18 से 28 वर्ष की युवा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे इसमें जानकारी दी गई है। और फीस के बारे में देख लेते हैं, फीस वही होगी 300 रुपये आपको देने होंगे शायद। हाँ दोस्तों 300 रुपये आपको पे करने हैं और 150 रुपये यहाँ पर अन्य वर्ग के लिए रखा गया है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए इस बार भी 150 रुपये रखा गया है। तो इस तरह से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो ज़रूर अप्लाई करिए दोस्तों। तो आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।